Welcome back to my channel Way to English Literature. In today's video, it is series second. और first video में मैंने beginning of English Literature पर cover किया है. First video उसमें भी half portion cover हुआ है. Now in this video we will cover the remaining portion of beginning of English Literature. जहाँ से beginning start होती है उससे हम second portion start करेंगे, जिसमें हम cover करेंगे from the individualism to the Mallory and Skeleton. तो यहाँ तक आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो पूरा वीडियो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए इस बुक से वो भी कवर किए हैं. तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक जिससे आपको समझ में आएगा, एंड यू कैन गिव मी आल्सो योर फीडबैक एंड योर रिव्यू. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ़ यू आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट एंड योर फ्रेंड्स आर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट, then you can subscribe and share this video with your friends. So let's start this video. Okay, from this part, literary note. हमेशा literary note को importance देकर ही read करना है, because literary note से बहुत सारे direct question आते हैं exam में. For example, एक question आया था from the example of, यहाँ से एक question beginning हुआ पूछा गया है compounding से. That is, the example of poetic compounding are found in the work of which two modernistic writers. तो कौन से ऐसे दो modernistic writer हैं जिसमें compounding found होती है, और ये question ask पूछा गया है December 2019, मतलब recently ही पूछा गया है कि कौन से ऐसे दो writers हैं जो modernist writer हैं और जिसके work में हमें compounding, compounding मतलब है group of words use करना साथ में like a canning. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेम्स जॉयस एंड GM हॉपकिन. सो बहुत आसान हो गया, बी और सी सेलेक्ट करना था, तो मतलब आंसर सामने है. और डायरेक्टली अगर बुक अच्छे से पढ़ रखी है तो हमें पता है कि कंपाउंडिंग जो मॉडर्निस्टिक राइटर है वो ये दोनों राइटर है जिन्होंने कंपाउंडिंग अपने अधिकतर वर्क्स में यूज़ किया है. गो फॉरवर्ड. इस बुक को आप ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. भले बिगनिंग है तो ये मत सोचिए, क्योंकि बिगनिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से लेंगे द फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड द इंग्लिश अफर्मेशन. द वर्ल्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज़ द वर्ल्ड ऑफ वॉरियर एंड बैटल्स. क्योंकि हमने इस दौरान हमने बहुत सारे ऐसे वर्क्स पढ़े हैं जो वॉरियर पर है, जैसे बैटल ऑफ माल्डोन, ब्यूवुल्फ. तो ये सब कुछ वॉरियर और बैटल के रिलेटेड ही है. अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है स्टार्ट हुई थी 1066 से लेकर 1066 से स्टार्ट हुई थी विद जब नॉर्मन जो नॉर्थ मैन थे. नॉर्मन क्या है? नॉर्थ मैन, जिन्होंने चैनल नॉर्थ सी को क्रॉस करके वो इंग्लैंड में घुस के आए थे. एंड फ्रॉम द चैनल ऑफ फ्रांस एंड दे वॉन ऑल्सो द बैटल ऑफ हेस्टिंग. बैटल ऑफ हेस्टिंग जो 1066 में टुक प्लेस हुई थी उनको भी वो जीते थे और एंग्लो सेक्शन को हराया था. विलियम द क्वेंक्वर है वो, उन्होंने शासन संभाला और यहाँ से स्टार्ट होती है. अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि नॉर्मन ब्रॉट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच कल्चर. तो ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली एग्जाम्पल, इसी लाइन से क्वेश्चन हुआ है. जुलाई में 2018 में क्वेश्चन आया है. ड्यूरिंग द रीन ऑफ नॉर्मन किंग इट वॉज द फैशनेबल टू स्पीक डैश इन द अपर क्लास सर्कल इन इंग्लैंड. तो वो कौन सी लैंग्वेज थी? फ्रेंच. तो आसानी से इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सी लैंग्वेज थी? फ्रेंच लैंग्वेज थी, क्योंकि नॉर्मन किंग आए थे तो वो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेकर आए थे. आफ्टरवर्ड अनदर क्वेश्चन जो वापस जैसे पैटर्न आप पैटर्न देख सकते हैं एग्जाम में फॉलो हो रहा है, जो जुलाई 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मन किंग के ऊपर, फिर वापस वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2018 में, दिसंबर 2018 में. तो आप सोच सकते हो जो जुलाई में हुआ उसका पैटर्न वापस से फॉलो हो रहा है दिसंबर में, जिसमें क्वेश्चन था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज द सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन इंग्लिश हिस्ट्री. व्हाट द फ्रेंच डिड नॉर्मन स्पीक एंड व्हाट वॉज इट नोन एज. तो इसका सीधा सा आंसर है दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज. तो यहाँ से पता चलता है वापस से जो क्वेश्चन था वो फ्रेंच लैंग्वेज पे था. दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज. एंग्लो नॉर्मन देयर वॉज सर्टेनली नॉट ए स्टैंडर्ड फ्रेंच. जो स्टैंडर्ड फ्रेंच नहीं थी, पर नॉर्मन फ्रेंच वो बोलते थे. तो पूरे इस पैराग्राफ में आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, नॉर्मन ब्रॉट
विद देम फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर। अब यहाँ पर मैं आपको ईच बच्चों की तरह बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करवा सकती। आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है पूरा वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द लेमन। लेमन ने फेमस वर्क लिखा है ब्रूट, दैट इज़ द फर्स्ट नेशनल एपिक इन इंग्लिश। इसका जो सोर्स है लेमन का, ब्रूट का, वो है रोमन डी ब्रूट। ये वर्क है बाय वेस के द्वारा, WACE इन्होंने लिखा था ये वर्क बाय वेस के द्वारा। ये वर्क है रोमन डी ब्रूट, और रोमन डी ब्रूट एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि इंग्लिश में नहीं है, पर लेमन ऐसे राइटर है जिन्होंने ब्रूट लिखा है बाय इंस्पायर होकर, वेस से इंस्पायर होकर इन्होंने एक वर्क लिखा है बाय इंस्पायर वेस, उनसे इंस्पायर होकर 12th इन्होंने उस फ्रेंच वर्क को जो कि फ्रेंच में था एक्चुअली, उस वर्क को इंग्लिश में इन्होंने लिखा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द, कहाँ से ये कैसे बिलोंग करती, हिस्ट्री ऑफ जो कि 5th सेंचुरी से स्टार्ट होती है विद द रोमन, जब रोमन आए थे तब से ये स्टार्ट होती है इंग्लैंड से। और ही टेक अप द स्टोरी टू द अराइवल ऑफ सेंट अगस्टाइन। इनकी जो स्टोरी है वो कहाँ तक पहुँचती है, सेंट अगस्टन तक पहुँचती है, जो कि फर्स्ट कैंटरबरी के आर्च बिशप हैं इन 597। इन्होंने इस बुक में स्टोरी ऑफ किंग अर्थर एंड द रोम नाइट ऑफ राउंड टेबल इन सबको भी कवर किया है। इन्होंने हिस्ट्री, लेजेंड, मिथ एंड मैजिक इन सबको भी इस बुक में दर्शाया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट नेशनल एपिक इन इंग्लिश है, और ये इंस्पायर हुआ था 12th सेंचुरी राइटर वेस के द्वारा, जिनका रोमन डी ब्रूट एक्चुअली रिटन इन द फ्रेंच, जो कि पैराग्राफ तक हमें ब्रूट के बारे में पता चलेगा। और नेक्स्ट इन्होंने मिथ मेकिंग जो आइडिया है इस वर्क में, वो इन्होंने वर्जिल की एनियार्ड से और होमर की इलियार्ड से, वर्जिल का वर्क और होमर का वर्क से इन्होंने ग्रीक जो एपिक है होमर्स इलियार्ड और वर्जिल के एनियार्ड, इन दो वर्क से लेकर अपना मिथ मेकिंग जो कॉन्सेप्ट है इस वर्क में दिखाया है। द इम्पॉर्टेंट थिंग वी फाउंड इन द ब्रूट लेमेंट, जो कि इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है कि जो ये इट दिस इज़ द बुक दैट मेक टुगेदर इंग्लैंड एज सीकिंग टू स्टेबिलाइज इट्स इंग्लिशनेस, जो अपना इंग्लिशनेस अभी स्टेबिलाइज कर रहा था, बिकॉज फॉर्मर पार्ट में कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्मन के वजह से फ्रेंच का इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में देखने को मिला, फिर आफ्टरवर्ड डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर भी स्टेबिलाइज हुआ है। लाइफ लेमेंट एंड वुल्फ एंड एकेडेवर, दीज वर्क आर बिलोंग टू द जेनर ऑफ लॉस्ट वर्क। ये लॉस्ट लव पोएम है जो इस जेनर से बिलोंग करती है इंग्लिश में। इनकी जो थीम थी वो है लव, दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्टली लव, दे फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्टली लव। तो ये हमें ब्रीफली याद रखना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़िए और ऐसे रफली याद रखिए कि ये दो पोएम्स हैं जो लव पोएम से डील करती है, साउथ ईस्ट फ्रांस से इंस्पायर हुई है, इनका जो थीम है वहाँ से इंस्पायर हुआ है, एंड दे ऑल्सो फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्टली लव। द रूट्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल ओरिजिन। क्लासिकल कहाँ से ओरिजिन हुआ, जो होमर का वर्क है ओडिसी, और जैसे एनियार्ड है, इन सब वर्क से, जैसे उनकी वाइफ थी ओडिसी की पैनोप, तो वहाँ से ये क्लासिकल इन्फ्लुएंस रोमेंटिक राइटिंग पर भी पड़ता गया। जैसे कि हम फेमाइन, कई वर्क्स में फेमाइन इमेजिनरी फाउंड होती है, लाइक इन दिस मिडल इंग्लिश पोएम रोमेंस ऑफ रोज। इस वर्क में हमें फेमाइन फ्रिडिलिटी और फेमाइन ब्यूटी के बारे में जिक्र किया गया है। ये एक मिडल इंग्लिश पोएम है और इसमें फेमाइन ब्यूटी के बारे में कॉन्सेप्ट को जिक्र किया है, जैसे सिंबोलिज्म ऑफ लेडी विद द लव, रोज का सिंबोलिज्म हमें लेडी लव से मिला है। द गॉड ऑफ लव इज सीन इनसाइड द वॉल्ड गार्डन, गार्डन में हमें उनका जिक्र पाया गया है। या हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द मैस्कुलिन वर्ल्ड आउटसाइड, हार्श रियलिटी को कॉन्ट्रास्ट किया मैस्कुलिन वर्ड से। तो ऐसे सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लासिकल से इन्फ्लुएंस होकर मिले हैं। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट आर गिवन, रफली इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार याद रखना है एंग्लो सैक्सन पीरियड में कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। जैसे समर इन क्यूमन इन, तो ये एक स्प्रिंग सीजन के बारे में, अराइवल ऑफ समर,
और स्प्रिंग आ रहा है या अराइव हो रहा है समर सीजन, तो ये समर सॉन्ग है, एक छोटा सा सॉन्ग है, समर इज़ इन ल्यूड सिंग कुकू। तो यहाँ पे कुकू का वर्ड आप देख सकते हो कैसे यूज़ किया है। तो हाउ द इंग्लिश हैव इन्फ्लुएंस, कैसे इंग्लिश धीरे धीरे ग्रो हो रही है। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ बल्लाड। बल्लाड भी बहुत फेमस ट्रेडिशन है। बल्लाड एक फॉर्मेट है जिसमें स्टोरी टोल्ड होती है इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग एंड इन फॉर्म ऑफ, चाहे पोइट्री की फॉर्म में स्टोरी बताई जाती है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बल्लाड में रॉबिन हुड, ये सबको पता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और जैसे अनदर इम्पॉर्टेंट जो बल्लाड है इस बुक में हमें मिलती है वो है लॉर्ड रेडल। अब ये जो बल्लाड है वो एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। और जो इसकी एंडिंग है वो उस एंडिंग होती है विद द डेथ, डेथ सीन है इसमें। तो सो दिस इज़ गिवन द रफली, जो इसमें क्वेश्चन ऑफ फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, आंसर और क्वेश्चन वो इसमें दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन ऑफ आंसर फॉर्म है ये एक्चुअली हो रहा है फादर एंड सन के बीच में, डायलॉग है फादर एंड सन। सो इसको रीड कीजिए एक बार, सो रीड दैम। देन द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर, वी सी द मेजर ग्रोथ ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द लेमेंट ब्रूट से। और हमें वर्क ऑफ जॉन ग्रोवर, जॉन ग्रोवर भी अनदर बेस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है जिन्होंने इंग्लिश में कन्फेंसो अमेंटिस लिखा है इन इंग्लिश डिस्पाइट इन द लेट। इसका जो टाइटल है कन्फेंसो अमेंटिस मीन्स द कन्फेशन ऑफ लवर, वो ऑफ अ लवर, ये जो टाइटल है वो टाइटल एक्चुअली लैटिन में लिखा गया है, पर इसका जो पर ये पूरा वर्क इंग्लिश के अंदर है। सो इन थ्री वर्क्स लिखे हैं, फर्स्ट वर्क इज़ कन्फेंसो अमेटिस जो कि इंग्लिश में है एंड द टाइटल इज़ इन लैटिन, इट्स मीनिंग इज़ द कन्फेशन ऑफ लवर और वो ऑफ अ लवर। इनके अनदर वर्क है जैसे कि है वो वॉक्स कैलेमेटिस, दिस वर्क इज़ रिटन इन लैटिन, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है। इनका फ्रेंच वर्क है उसका नाम है मिरर डी ओलम, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जियोफ्री चौसर, उनके वर्क्स जो भी इंग्लिश में लिखे हैं बिकॉज ही इज़ द वन ऑफ द राइटर हु ब्रॉट द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने ही ब्रॉट किया है मिडल इंग्लिश लैंग्वेज और कैसे मिडल इंग्लिश लैंग्वेज आगे एक्सप्लोर होती है और डायलैक्ट और इसमें चेंज होता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर विलियम लैंगलैंड, इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है पियर प्लोमैन, दिस वर्क इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द कंट्री साइड, ये कंट्री साइड एक प्लीजेंट फार्मर के ऊपर बेस्ड है। ये जो स्टोरी है वो दिखाती है, दर्शाती है स्टोरी ऑफ द वेस्ट इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड को एक्सप्लोर कर रही है ये स्टोरी। पियर प्लोमैन जो है ये ब्रिंग करती है ट्रेडिशन, दोनों को इंक्लाइन करके मिलाती है, ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश एंड द फ्रेंच रोमांस। तो इस वर्क से हमें दोनों रोमांस जो है फ्रेंच एंड इंग्लिश वो देखने को मिलते हैं। गार्विन पोएट्स जिन्होंने लिखा है सर गार्विन एंड ग्रीन किनाइट, पेशेंस, पर्ल, क्लीनिनेस, ये ग्रुप ऑफ पोएम्स है जिसे हम गार्विन पोएट के द्वारा ये मानते हैं कि ये अननेम, जैसे इनका जो राइटर है वो अननेम्ड है, अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है हु इज़ द राइटर, दैट इज़ बिलोंग फ्रॉम द डेटिंग ऑफ 1400। देन आफ्टरवर्ड द टेक्स्ट ऑफ विनर, एक अनदर पोइट्री है विनर एंड वेस्टर, पर्ल एंड पेशेंस, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट पोइट्री और इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पर्ल पर क्वेश्चन आया हुआ है UGC नेट में एंड पेशेंस के ऊपर भी आया है क्वेश्चन। डिवाइस यूज हुई है दैट इज़ नोन एज अलिटरेटिव रिवाइवल, ये अलिटरेटिव रिवाइवल हमें देखने को मिला है इन दीज पोइट्री। सो रिमेंबर दिस, इन द पोइट्री ऑफ विनर वेस्टर, पर्ल, पेशेंस, वी फाउंड द अलिटरेटिव रिवाइवल इन दिस इन द पोइट्री ऑफ द 15th century। आफ्टर अलिटरेटिव रिवाइवल द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ ऑफ मोर कॉलिक्वल, कॉलिक्वल मीन्स डे टू डे लैंग्वेज एंड फैमिलियर स्टाइल भी यूज़ होने लग गए थे पोइट्री के अंदर और इन द राइटिंग। आफ्टरवर्ड वी विल सी दिस मैप, ये जो मैप है उसमें ये दिखाया गया है कि 100 ईयर वार्स के बाद जो इंग्लिश के पास जो लैंड थी वो पोजिशन इन द फ्रांस, उनके पास कैसे स्कॉटलैंड भी आ गया और दूसरी जगह भी इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड इंक्लूड हो गया और UK का जो पार्ट है वो इंक्रीज होता गया। तो ये पूरा इसमें मैप में दिखाया गया है। अब यहाँ से लैंग्वेज नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज नोट हमेशा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज नोट में। अब इसमें दिखाया गया है कि चौसर और मिडल इंग्लिश में कैसे डिफरेंट स्टाइल मिडल इंग्लिश पार्ट एक्सपेंस हुआ, एक्सपांड हुआ।
यहाँ पे द डिस्टिंक्टिव स्टाइल फीचर मिडिल इंग्लिश पीरियड वॉज द रैपिड एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हम देखेंगे ओल्ड इंग्लिश में आस्क को हम फ्रेंच में बोलते हैं क्वेश्चन, और लैटिन लैंग्वेज में ये इंट्रोगेट। तो इस टाइप में जो लैंग्वेज चेंज वो हमें देखने को मिला, ग्रोथ हुई ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की। क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द प्लुरल नाउन दिसंबर 2018 में द एंडिंग द एन एंडिंग टू डिनोट द प्लुरल नाउन एज इन ऑक्सन चिल्ड्रन ब्रीदन हैज सर्वाइव फ्रॉम। सो इसका जो आंसर है वो है ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ऑफ प्लुरल नाउन। तो प्लुरल नाउन को हम ओल्ड इंग्लिश में कैसे प्रैक्टिस करते थे या किस तरह से दिखाते थे राइटर्स, जैसे इसमें लैंग्वेज नोट में भी दिया गया है कि हम देखो यहाँ पे यू कैन फोकस फ्रॉम दिस लाइन मिडिल इंग्लिश वोकेबलरी ऑफ्टन हैज सेट ऑफ वर्ड्स ईच विद डिफरेंट ओरिजिन विच कन्वेइंग मोर और लेस द सेम मीनिंग बट विद डिफरेंट पैटर्न यूज। तो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। ये जो डिफरेंट पैटर्न है पर उनका जो यूज़ है वो सेम है, सेम मीनिंग है, तो उसे हम इक्विवेलेंट कहेंगे। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कभी ना कभी, जैसे कि प्लुरल नाउन का पूछा गया है 2018 में। तो इक्विवेलेंट वर्ड्स का जैसे आस को हम क्वेश्चन यूज़ बोलते थे फ्रेंच में, देन हम लेटिन में इंट्रोगेट बोल रहे हैं, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन में आ सकता है कि सेम पैटर्न विद सेम मीनिंग बट डिफरेंट पैटर्न, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये माइंड में लैंग्वेज नोट हमेशा फोकस कीजिए इस पर, मैं बार बार बोलूँगी फोकस ऑन द लैंग्वेज नोट, क्योंकि हमेशा ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक वन ऑफ जो हमारा सेलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का उसमें लिंग्विस्टिक है। तो लिंग्विस्टिक का कैसे चेंज आया, इंग्लिश कैसे फॉर्म हुई, तो ये सेलेबस के अंदर है, तो इसे फोकस करो, इसे पढ़ते हुए।